हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज़ में हम लोग डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि न्यूज़पेपर में जो भी हमारा यूपीएससी से रिलेटेड। तो आज तारीख है 2 नवंबर 2020 और हम लोग हमारे सीरीज़ में डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग केवल उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रिलेवेंट है, और इसमें जो भी न्यूज़ आएंगे या तो वो न्यूज़पेपर से हो या तो फिर आपका कहीं पे पीआईबी में आया हो या कहीं और, अगर हमें कुछ भी यूपीएससी से रिलेवेंट न्यूज़ मिलती है वेबसाइट पे तो हम लोग उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमारा आज का पहला न्यूज़ हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये मोस्ट ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जो पार्क टॉपिक है। हर एक साल यूपीएससी पार्क से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर ही रही है। अब 2019 में देखे तो काजीरंगा नेशनल पार्क से क्वेश्चन था, 2018 में देखे तो कुछ जानवरों का नाम, सॉरी 2020 में अगर आप देखेंगे तो कुछ जानवरों का नाम दे दिया गया और कहा गया कि किस पार्क से रिलेटेड है। इसीलिए जो भी पार्क है उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या स्पीसीज पाए जाते हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, इन सबको कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके बारे में न्यूज़ बस इतना है कि जो पेंडेमिक हुआ कोविड-19 को लेकर के, तो उसके बाद जो टूरिस्ट सेक्टर था हमारा, कहीं ना कहीं उसे हार्म हुआ और उस हार्म का असर जो था वो काजीरंगा नेशनल पार्क पे भी पड़ा। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे ट्रैवल कर नहीं कर पाए, और इसीलिए यहाँ पे जो लोकल विजिटर्स थे उन्होंने विजिट किया काजीरंगा नेशनल पार्क को। तो बस यहाँ पे न्यूज़ इतना ही था। एंड इसके अलावा आप देखेंगे तो एलिफेंट सफारी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क एक मेजर अट्रैक्शन है, मीन्स यहाँ पे एलिफेंट भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और यहाँ पे कुछ अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं आसाम में, उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा एक और जब टाइम था जब हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उस टाइम भी टूरिस्ट को इम्पैक्ट हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इन सबको देखते हुए देखते हैं हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काजीरंगा से रिलेटेड है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, असम में, और ये ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसका लीगल स्टेटस हम लोग देखें तो ये नेशनल पार्क इसे बनाया गया था 1974 में और इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था 2007 में। तो 2007 के बाद जो टाइगर रिजर्व बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, मीन्स काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इसे हम लोग इस रूप में लिखते हैं। एंड इसका जो इंटरनेशनल स्टेटस है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में दर्जा दिया गया था, और इसे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बनाया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। अगर इसमें स्पेसेस को देख लें तो यहाँ पे सबसे मोस्ट फेमस स्पेसेस जो हम लोग हमेशा से जानते हैं या हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, वर्न हॉर्न राइनो। जो वर्न हॉर्न राइनो है वो यहाँ की एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर स्पेसिस है जो इंडिया में केवल यहीं पर पाई जाती हैं। इंडिया में केवल वन हॉर्न राइनोस कहाँ पाई जाती है, असम में। और यूपीएससी का 2019 का क्वेश्चंस भी था कि वन हॉर्न राइनोस ओनली फाउंड इन असम, और यहाँ पे यूपीएससी 2020 में भी इसे रिगार्डिंग क्वेश्चन कर चुकी है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पेसेस है वो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है, असम में, और यहाँ पे सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोस का। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो काजीरंगा का कंजर्वेशन इफेक्ट है, एफर्ट है, वो फोकस करता है बिग फाइव पे, सॉरी यहाँ पे गलती से बिग फोर हो गया, ये बिग फाइव है। बिग फाइव स्पेसिस इंक्लूडिंग राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर्न स्वैम्प डियर। तो ये यहाँ का एक कॉन्टेंट बिग फाइव के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। एंड 2018 का सेंसस को देखें तो राइनोस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2413 थे एंड जो हमारा एलिफेंट थे वो थे 1100 के आसपास। और अगर फिगर को देखें टाइगर सेंसस 2014 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे काजीरंगा में टाइगर्स की संख्या थी 103, जो कि पूरे इंडिया में थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे टाइगर्स की, आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, एंड बांदीपुर नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। और काजीरंगा को होम टू 9 of the 14 स्पीसीज ऑफ प्राइमेट्स फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी प्राइमेट्स पाए जाते हैं उनका जो 14 स्पीसीज है उसमें से 9 स्पीसीज काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। अगर रिवर्स ऑफ हाईवेज को देखेंगे तो यहाँ से इस पार्क से नेशनल हाईवे 37 पास होती है एंड यहाँ पे 250 सीजनल वाटर बॉडीज हैं। देखिए यहाँ पे रिवर्स एक ब्रह्मपुत्र रिवर आप काजीरंगा से रिलेट कर सकते हैं, इसके अलावा एक और जो रिवर है वो है डीफ्लू रिवर, ये भी काजीरंगा के थ्रू पास होती है।
और असम में कुछ अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसमें से कौन कौन है, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क है हमारा, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, ये है हमारा इकोनॉमिक्स रिलेटेड, मीन्स ये कहाँ आ जाएगा आपका GS पेपर 3 में। तो आप इसके कुछ पॉइंट्स को GS में पेपर 3 के अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, साथ साथ GST जो टॉपिक है, GST प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा न्यूज़ है यहाँ पे, GST इनफ्लोस क्रॉसेस 100,000 करोड़ इन अक्टूबर। देखिए GST इनफ्लो जो था, मीन्स GST से जो भी टैक्स आया वो 100,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया है अक्टूबर में। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल का न्यूज़ यहाँ पे और इसका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे GST के बारे में एक न्यूज़ आया, तो हमें पूरा जानना पड़ेगा GST क्या है, GST कब आया, किस तरीके से आया, इसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, इसे इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे GST के बारे में देखते हैं। GST हमें पता है ये वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आया था, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आया था। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे के पूरे नेशन पे लगता है और इंडिया को एक तरह से यूनिफाइड मार्केट बनाता है। और ये एक सिंगल टैक्स रेजिम है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंगल टैक्स फॉर अ नेशन। एंड यहाँ पे जो सिंगल टैक्स है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं इसको। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उस पर टैक्स ना लग करके जहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्ड गुड पहुँचेगी उस पर टैक्स लगेगा, मींस फाइनल गुड पे हमारा टैक्स लग रहा है। एंड जो GST है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2014 में इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1, 2016। ये हमारा 101st अमेंडमेंट एक्ट था। एंड द प्रोविज़न आर, इसका जो भी प्रोविज़न है इस GST का उसके बारे में देखेंगे। जो सेंट्रल GST है वो किसको किसको कवर करती है, एक्साइज GST को एंड सर्विस टैक्स को कवर करती है। और जो हमारी स्टेट GST है वो कवर करती है VAT को, यानी जो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स होता है, लग्जरी टैक्स, ETC। देखिए VAT क्या होता है, अगर एक गुड वहाँ पर बन रही है एंड बीच में, या तो मान लेते हैं हम लोग एक बॉटल को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो बॉटल को मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या सामान लगता है, कुछ ना कुछ प्लास्टिक का सामान लगेगा, या तो फिर उसका कुछ ढक्कन, या उसमें आपको बाहर में कुछ डेकोरेट करना रहेगा वो। तो इसमें जो भी वैल्यू ऐड किया गया इस गुड में स्टार्टिंग पॉइंट पे, मींस वो एक रॉ मटेरियल है, फिर इसमें जो जो गुड ऐड किया गया या फाइनल प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, मींस इस पे जो टैक्स लग रहा है। एंड सेकेंड हमारा होगा इंटीग्रेटेड GST टू कवर इंटर स्टेट ट्रेड। इंटीग्रेटेड GST का मतलब क्या होता है, वो कवर करती है इंटर स्टेट ट्रेड को, मींस दो अलग अलग स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको। तो IGST पर से इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्स। देखिए इंटीग्रेटेड GST क्या है, वो एक अलग से कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये किसको कोऑर्डिनेट करती है, स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस को ये कोऑर्डिनेट करती है। और आर्टिकल 246A में ये प्रोवाइड किया हुआ है कि स्टेट के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है गुड्स एंड सर्विसेज में। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 279A है वो क्या कहता है कि जो GST काउंसिल है वो फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाएगा और उसको एडमिनिस्टर और गवर्न किसके किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, GST काउंसिल के द्वारा। इट्स चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन जो होंगे वो क्या होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मीन्स हमारे जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, तो अभी ये इसकी चेयरमैन है, विथ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर नॉमिनेट होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। द काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3 वोटिंग पावर एंड द स्टेट विल हैव 2/3। यहाँ पे जो वोटिंग पावर है वो सेंटर को कितना दिया गया, 1/3, एंड स्टेट को पावर कितना दिया गया, 2/3। मींस यहाँ पे सेंटर के पास स्टेट के रिलेटेड थोड़ा कम पावर है, मींस 2/3 पावर है स्टेट के पास एंड 1/3 वोटिंग राइट है सेंटर के पास। और जो डिसीजन होगा वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाएगा, मींस यहाँ पे मेजोरिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए अगर आपको किसी लॉ को या किसी प्रोविज़न को इफेक्ट में लाना है तो। एंड लास्ट यहाँ देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द टैक्सेस that are currently exempted in GST. GST में कौन कौन सा टैक्स exempted है, फर्स्ट क्या क्या exempted है, देखिए यहाँ पे exempted है कस्टम ड्यूटी विल बी स्टिल कलेक्टेड अलॉन्ग विद द लेवी ऑफ IGST ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स। यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी एज अ IGST कलेक्ट किया जाता है। जो पेट्रोलियम और टोबैको प्रोडक्ट्स है उसको भी exempt किया गया है। एक्साइज ड्यूटी जो है लिक्विड पे या स्टैम्प ड्यूटी पे या इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, इसको भी यहाँ से exempt किया गया है। तो ये हमारा था सेकेंड न्यूज़। हमारा आज का थर्ड न्यूज़ है AQI वेरी पुअर डिस्पाइट राइज इन द विंड स्पीड। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उससे रिलेटेड हमारा
थर्ड न्यूज़ है, देखिए ये आपका किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये हमारा जीएस पेपर 3 में आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक को इससे रिलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा न्यूज़ है वो है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो स्टबल बर्निंग चल रही है पंजाब हरियाणा के रीजन में, उसके उसके वजह से जो आसपास का रीजन है वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो वेरी पुअर हो गया है। तो इससे रिलेटेड हम लोग न्यूज़ को देखते हैं। तो जो डाटा था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें ये कहा गया है कि जो ग्रेटर नोएडा है, गाज़ियाबाद, ये सब जो एरिया है वहाँ पे जो वेरी पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा सफ़र, एक सफ़र भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट रन करती है इस एजेंसी को, इस एजेंसी के थ्रू भी ये कहा गया है कि दिल्ली ओवरऑल जो AQI है इसका, वो भी बहुत अभी उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी है अगर वो 0 से 50 के बीच में रहेगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा गुड, एंड अगर वो 51 to 100 है उसको सेटिस्फैक्ट्री कहा जाता है, एंड 101 to 200 है ये एक मॉडरेट लेवल का होगा, एंड 201 to 300 अगर किसी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है पुअर, एंड 301 and 400 के बीच वेरी पुअर, एंड 401 से 500 वो सीवियर कंडीशन। तो अगर आप यहाँ एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCR के बारे में देखें तो यहाँ पे 364 है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये किस में आ जाएगा, वेरी पुअर में। 384 गाज़ियाबाद का, 384 हर एक का क्या है 300 प्लस है, तो ये सारा का सारा वेरी पुअर कंडीशन में आता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट है जो रिपोर्टिंग करती है डेली एयर क्वालिटी को, ये फोकस करती है कि एयर क्वालिटी की वजह से क्या क्या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है, एंड एक्सपीरियंस विद द फ्यू आवर्स और डेज आफ्टर ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर, मीन्स कुछ अगर लोग कुछ आवर के लिए कुछ दिनों तक भी अगर इस तरह के एयर में सांस ले लेते हैं तो उनको क्या क्या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको क्या क्या सांस लेने में तकलीफें हो सकती हैं। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है कुछ एयर पॉल्यूटेंट के बेसिस पे, मींस एयर में अगर वो पॉल्यूटेंट पाए गए हैं तो मतलब वो एक ख़राब तरह का एयर है, मींस एक पॉल्यूटेड एयर है। तो फर्स्ट क्या है हमारे इसमें एयर क्वालिटी में कैलकुलेट करने के लिए, जो 8 मेजरेबल पॉल्यूटेंट है उसमें है एक ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5 जो बहुत ही माइन्यूट होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक माइक्रो या आप इसको नैनो सेंटीमीटर पे कह सकते हैं PM2.5, एंड एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपका प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन UPSC करती है, उनका कहना ये होता है कि कुछ आपको स्टेटमेंट देते कि ऑप्शन देते कि कौन कौन से मेजर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट्स हैं एयर पॉल्यूटेंट्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, तो आपको इसमें से एलिमिनेट करना होगा या फिर देखना होगा कि कौन कौन से हैं या नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है लीड भी आता है इसमें एक एयर पॉल्यूटेंट में, और जो ग्राउंड लेवल ओजोन है और जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है ये टू टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा थ्रेट करते हैं किसे, ह्यूमन हेल्थ में। और अगर यहाँ पे आप देखें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये भी एयर क्वालिटी पे रिपोर्ट निकालती है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इट वॉज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये अपना पावर कहाँ से लेती है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था 1974 में अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। इट सर्व एज अ फील्ड फॉर्मेशन एज एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विस टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो प्रोविजन है 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू भी ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है। लास्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट यहाँ पे, प्रिंसिपल फंक्शन CPCB का क्या है, इसका काम है स्पेल्ड आउट करती है वाटर एक्ट को एंड जो एयर एक्ट है उसको, मीन्स इन दोनों के बीच का फंक्शन डिसाइड करती है। एंड लास्ट हमारा टू प्रमोट क्लीननेस इन स्ट्रीम्स ऑफ द वेल्स डिफरेंट एरियाज एंड स्टेट बाय प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एब्डमेंट ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट्स। देखिए वाटर पॉल्यूशन के लिए क्या करती है, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए अलग अलग एरियाज़ को, स्ट्रीम्स को देखती है, उसकी क्लीननेस को प्रमोट करती है, एंड ये एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ हो जाएगा गिलगित बाल्टिस्तान अ पार्ट ऑफ इंडिया सीज MEA। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इन्होंने ये कहा कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का रीजा है वो इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे आकर ये न्यूज़ में था क्यों,
देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है वो इलीगल तरीके से हमारे जो क्षेत्र है गिलगित-बाल्टिस्तान का उस पर कब्जा करना चाह रहा है, और उस कब्जे के लिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वोटिंग करवा रहा है, लेजिस्लेचर का यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। इंडिया ऑन संडे स्लिम्ड पाकिस्तान फॉर द अटेम्प्ट अकॉर्ड टू प्रोविजल ऑफ सो कॉल्ड गिलगित-बाल्टिस्तान सेइंग दैट अटेम्प्टेड टू कॉम्प्लेक्स द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन बाय इस्लामाबाद। तो वो इस्लामाबाद का जो रीजन है वहाँ पे इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रहा है उस क्षेत्र को। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है पाकिस्तान के इस स्टैंड को, और पाकिस्तान ने जो भी होल्ड किया हुआ है एरिया जो गिलगित-बाल्टिस्तान का उसको कंप्लीट तरीके से इलीगल ठहराया गया है। अब इस एरिया के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए जो गिलगित-बाल्टिस्तान का जो रीज़न है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपका नॉर्दर्न पार्ट पे स्थित है, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए इसका क्षेत्र कौन सा है, ये जो हमारा क्षेत्र है जो आपको यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है ये हमारा गिलगित-बाल्टिस्तान का रीजन। अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग को याद होगा 2020 का क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या पूछा गया था, अक्साई चीन, जो हमारा अक्साई चीन का रीज़न, सॉरी अक्साई चीन नहीं पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन था कि गिलगित-बाल्टिस्तान के नॉर्थ में या फिर लद्दाख के नॉर्थ में, इस तरह का वहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस फ्रेम किए गए थे। तो यहाँ पे हमारा गिलगित-बाल्टिस्तान का रीज़न है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, एंड अक्साई चीन का रीज़न है। तो इस मैप को आप अच्छे से देख लेंगे। अगर आप क्रोनोलॉजी को देखें तो गिलगित-बाल्टिस्तान कैसे कैसे पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1999 में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो भी पीपल है गिलगित-बाल्टिस्तान के वो पाकिस्तानी सिटीज़न कहलाएंगे और वो हिस्सा होंगे उनके फेडरल गवर्नमेंट का। एंड 2009 में उन्होंने क्या क्या कहा कि जो गिलगित-बाल्टिस्तान है उनको एम्पावरमेंट किया गया सेल्फ गवर्नेंस के लिए, और वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया उस जो वो एरिया था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया विदाउट एज अ फेडरल पार्ट, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं प्रोवाइड किया गया। एंड 2015 में क्या हुआ, अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट प्रपोज गिविंग गिलगित-बाल्टिस्तान द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। अब एक प्रोविंस का स्टेटस दिया गया इस क्षेत्र को 2015 में, और 2018 में एक नया ऑर्डर पास हुआ और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि ऑल द पावर ऑफ गिलगित-बाल्टिस्तान काउंसिल टू इट्स असेंबली। तो इसका जो भी इस रीज़न है उसका जो भी पावर है वो एक असेंबली के पास ट्रांसफ़र कराया जाएगा, और यही असेंबली या लेजिस्लेचर का अभी वोटिंग कराया जा रहा है। द पाकिस्तान गवर्नमेंट विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द मॉक पॉन्डास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए आप इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, बट ये जो मॉक पॉन्डास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड अगर आप देखेंगे ये भी गिलगित-बाल्टिस्तान रीजन में आता है, तो ये भी इंडिया के लिए एक हाईली कंसर्न एरिया है। और अदर जो डेवलपमेंट किया गया पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र में वो है दिमेर भाषा डैम, कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी ये सारे प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित हैं, गिलगित-बाल्टिस्तान के रीजन में। तो इसके रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइल एफ आई आर फॉर साइबर क्राइम स्टेट्स टोल्ड। देखिए यहाँ पे जो होम मिनिस्टरी थी उन्होंने क्या कहा स्टेट को कि आपको आप जो भी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग FIR है वो हमारे पोर्टल पे आकर के रजिस्टर करें। तो इसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे साइबर क्राइम आपका कौन से टॉपिक से रिलेट कर जाएगा, ये आपका GS पेपर 3 का पार्ट आ जाएगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पे इसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डेटा दिए गए हैं, देखिए इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको लोग देखते हैं, क्या यहाँ पे 2 लाख कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन नेशनल पोर्टल बट ओनली 5,000 केसेस रजिस्टर्ड। अब जो नेशनल पोर्टल था हमारा वो क्या था, देखिए हमारा नेशनल पोर्टल है www.cybercrime.government.in। तो इस पोर्टल में क्या हुआ, 5,000 केसेस को 2 लाख कंप्लेंट तो यहाँ पे आए लेकिन यहाँ पे केवल 5,000 केसेस को ही रजिस्टर किया गया। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो भी स्टेट है वो FIR करें, एग्जामिन करें कि जो भी FIR रजिस्टर हुए हैं, कंप्लेन हुए हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में, उसके लिए जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है वो स्टेट वहाँ पे एग्जामिन करें और उसको प्रेजेंट करें। एंड थ्रू द पोर्टल द मिनिस्ट्री एम्स टू अ ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट।
अब मिनिस्ट्री एम क्या कर रही है, कुछ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स को हम लोग तैयार करते हैं जो कि अनलाइफुल कंटेंट होंगे इंटरनेट पे, उसको हटाने में लोग हमारी मदद करेंगे। तो उनको क्या कहा जाएगा, गुड सैमरिटियंस। तो इनको वेलकम किया गया है कि वो जो भी अनलॉफुल कंटेंट होगा उनको वहाँ से हटाएं, आइडेंटिफाई करें और हेल्प करें, रिपोर्ट करें उसके रिगार्डिंग, अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट जो भी होंगे उनके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री को हेल्प करें या पोर्टल को हेल्प करें। द अनलॉफुल कंटेंट इज कैटेगराइज्ड एज कंटेंट अगेंस्ट, देखिए वहाँ पे अनलॉफुल कंटेंट को तो देखना है आपको, जो साइबर क्राइम वॉलंटियर्स होंगे वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन वो आखिर किस तरह के कंटेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, वैसा कंटेंट जो इंडिया के सवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करे, जो डिफेंस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो, वो जो इंडिया के स्टेट के सिक्योरिटी को हार्म करता है और इंडिया के जो फॉरेन स्टेट है उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन को कहीं ना कहीं हार्म करता है, वैसा कंटेंट जो डिस्टर्ब करता है पब्लिक ऑर्डर को या डिस्टर्ब करता है कॉमनल हारमोनी को, या वैसा सारा कंटेंट जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का मटेरियल हो वैसा। एंड द पोर्टल लॉन्च्ड ऑन अगस्त 13, 2019, जो पोर्टल था उसे 2019 अगस्त में लॉन्च किया गया, और जितना भी काइंड का साइबर क्राइम्स था उसमें ये कहा गया सिटीजन्स, ये एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है, जितने भी सिटीजन हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट दे सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी रेप एंड गैंग रेप फ्रॉम जनवरी सितंबर दिस ईयर स्टूड एट 13,244। देखिए यहाँ पे 13,244 ऐसे केस आए जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड थे, रेप से या चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड थे। यहाँ पे जो नंबर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा जो डाटा प्रेजेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि साइबर क्राइम का जो नंबर है वो दिन ब दिन इंक्रीज करता जा रहा है। ये इंक्रीज़ कितना कर चुका है, 63.5% इन ईयर 2019 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, मीन्स पिछले साल जितने भी केसेस आए उसके कंपेरिजन में 63.5% केसेज यहाँ पर इंक्रीज कर चुके हैं। एंड 2019 में 60.4% ऑफ साइबर केसेस रजिस्टर्ड वर द मोटिव टू फ्रॉड, मीन्स जितना भी फ्रॉड, मीन्स जो फ्रॉड का केस था 2019 में कितना रजिस्टर किया गया, 60.4% केसेस। एंड यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस था 5.1% एंड काउजिंग डिसरप्ट वाज विथ 4.2%, मीन्स जो डिसरप्ट काउज कर सके वैसा 4.2% केसेस थे। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, मोर अप्स देन डाउन्स इन इंडिया टाइज। देखिए इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसके बारे में इस न्यूज़ में बात की गई है। तो इंडिया यूएस में अभी जो करंट में न्यूज़ क्या था, इंडिया से मीन्स जो अमेरिका थे, अमेरिका एंड इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ। अब इसके पहले भी हमारा 2+2 डायलॉग दो बार हो चुका था, ये हमारा 3rd 2+2 डायलॉग था। अब इसमें क्या हुआ, अमेरिका के जो सेक्रेटरी थे माइक पोम्पियो, उन्हें अमेरिका ने यहाँ भेजा और इस डायलॉग के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन हुआ। वो कौन सा एग्रीमेंट था, वो था बैका। देखिए इंडिया और अमेरिका का जो टाइज है उसके बारे में चाइना का कंसर्न भी रिलेटेड है और पाकिस्तान का कंसर्न भी रिलेटेड है। तो इन दोनों के कंसर्न को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग बैकग्राउंड में देखें तो जितना भी फाउंडेशनल एग्रीमेंट था, अगर आप देखें तो जो हम लोग बोलते हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट फॉर फ्रॉम यूएस, तो इसमें इनका 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट था। फर्स्ट कौन था, लेमोआ था एक, और एक जिसोमिया था जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, एंड कॉमकासा, एंड एक लास्ट हमारा बैका। तो ये जो चारों एग्रीमेंट है, इंडिया ने इन चारों एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए एग्रीमेंट था लेमुआ, उसे कब साइन किया गया था, 2016 में, एंड जिसोमिया को सबसे पहले साइन किया गया था 2002 में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एजेंसी एग्रीमेंट सॉरी। और कॉमकासा था, इसे अभी हाल में ही साइन किया गया था 2018 में। ये क्या था, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो भी थे मिलिट्री के उससे रिलेटेड था। और बैका था, इसे साइन किया गया था मींस अभी हाल में ही 2020 में साइन किया गया है। देखिए यहाँ पे जो बैका एग्रीमेंट में उसमें जितने भी यूएस पैट्रियल डेटा होंगे उन्हें शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के रिलेशन को देखें तो इनके रिलेशन के बारे में यहाँ पे हमें एक अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। फर्स्ट हमारा, आफ्टर द इनिशियल अनसर्टेनिटी अमेरिका रिलेशन विद इंडिया पिक्ड अप स्टीम अंडर ट्रंप। स्टार्टिंग में क्या था, अनसर्टेनिटी था इंडिया
अमेरिका के रिलेशन को लेकर के, लेकिन ये पिकअप हुआ ट्रंप के शासन के दौरान। तो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने अपना टर्म को एंड किया अभी हाल में, और यहाँ पे एक सप्ताह के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसके पहले उनका जो स्टैंड था माइक पोम्पियो को इंडिया भेजने का 2+2 डायलॉग के लिए, एंड जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था उनको हडसन बुलाना या अहमदाबाद में उनका आना, तो ये सारा क्या शो करता है, डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा बायलेटरल रिलेशन चाहते हैं इंडिया के साथ। लेकिन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने इंडिया को एक टैरिफ किंग का भी दर्जा दिया था, मींस इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है अपने गुड्स पे। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जो क्वाड ग्रुप है या तो फिर साउथ एशिया पॉलिसी इंडो पैसिफिक कमांड है, इसके थ्रू भी इंडिया और अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट अच्छा रिलेशन बना है। एंड अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथोराइजेशन STA-1। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो STA-1 आखिर होता क्या है, देखिए STA-1 क्या होता है ना कि जो कंट्रीज़ हैं STA-1 US की है और USA दर्जा देती है किसी कंट्री को एज अ स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, और इंडिया को इन्होंने ये दर्जा दिया है। और इसके थ्रू क्या होता है कि लाइसेंस फ्री एक्सेस होता है ऑलमोस्ट 90% ऑफ ड्यूबल यूज टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में। और यहाँ पे ड्यूबल यूज टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकते हैं, जो आपके कंट्री के सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें इसके अंदर आपके जो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन इनका भी लाइसेंस फ्री ट्रेड हो सकता है, तो इसमें ये सारे कंट्रीज आते हैं। एंड कैटेगराइजेशन फॉर इंडिया, द फर्स्ट 2+2 डायलॉग द साइनिंग ऑफ कॉमकासा इन द शेप ऑफ एक्सेप्टेबल टू अस, उनका सेप ऐसा कराया गया US के द्वारा जो कि हमारे द्वारा एक्सेप्टेबल हो। द अप्रूवल बाय कांग्रेस फॉर जनरल वेवर प्रोविजन इन द काट्सा अ टेम्प्ररी वेवर फॉर इंडिया एंड ईरान परचेज ऑयल एंड चाबहार। देखिए यहाँ पे क्या वेवर दिया गया इंडिया को कि आप कॉमकासा साइन भी करते हैं तो भी आपको इंडिया से ऑयल परचेज करने का परमिशन दिया जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं चाइना और पाकिस्तान का जो फैक्टर है US को लेकर के, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, देखिए 2017 में जो डॉकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था चाइना के साथ हमारा, जो भूटान के रीजन में आप देख सकते हैं डोकलाम का एरिया वो कंटिन्यू किया था, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, मींस बहुत ही फुल फ्लेज अटैक नहीं हल्का फुल्का। एंड इसके बाद क्या हुआ, अभी जो आप देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो हो रहे हैं वो सारा कहीं ना कहीं फैक्टर करता है कि इंडिया का US के प्रति एक अच्छा टाई बनना। एंड इसके साथ अगर आप देखेंगे तो चाइना का क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ और अच्छा टाई बन रहा है, रशिया को भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के साथ अच्छा टाई बना रही है, तो इन सब को देखते हुए इंडिया को चाहिए कि वो अपना जो फ्रेंडली रिलाय है रशिया उसके साथ ऑलरेडी जो उसका अच्छा रिलेशन है उसको मेनटेन करे, ना कि US की तरफ ज़्यादा जाए। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बैलेंस ट्रेड को बैलेंस रिलेशन को लेकर के चलना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल एक्सटर्नल टास्क फोर्स है उसके थ्रू क्या किया गया, US के सपोर्ट से वहाँ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिजाइनेटेड मोर टेररिस्ट एट UN सिक्योरिटी काउंसिल इंक्लूडिंग दोज आर टारगेटेड इंडिया, तो वहाँ पे US ने हेल्प किया कि जो भी टारगेटेड टेररिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया को हार्म किया उनको डिजाइनेटेड टेररिस्ट बनाया जाए UN सिक्योरिटी काउंसिल में। देन अगर आप देखेंगे 5G टेलीकॉम्पस के बारे में, तो वहाँ पे भी इंडिया को हेल्प हो रहा है चाइना के थ्रू, इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया एंड US का एक अच्छा टाई बना हुआ है, तो ये सारा जो कंसर्न था वो इंडिया से रिलेटेड था। एंड देन अगर रिगार्डलेस द पॉजिटिव सेवरल ट्रम्प्स डिसीजन हैव कम शॉक फॉर मोदी गवर्नमेंट, कुछ ट्रम्प का ऐसा भी डिसीजन था जो कि मोदी गवर्नमेंट को या हमारे इंडिया को हार्म के लिए था, जैसे कि हिज डिसीजन टू फोर्स टॉक्स विद तालिबान इन कंटेंट विद द कंसेशन टू पाकिस्तान इन अफगानिस्तान हैज डन काउंटर टू एडमिनिस्ट्रेशन अदर प्रोमिसेस। देखिए यहाँ पे जो तालिबान के साथ टॉक था अफगानिस्तान के इशू को लेकर, तो वहाँ पे US के द्वारा इंडिया को फोर्स किया गया कि आप तालिबान से टॉक करें ताकि पाकिस्तान से US का अच्छा टाई बने एंड US अपने ट्रुप्स को वहाँ पे से अफगानिस्तान से हटा सके। अनदर वन विड्रॉल इंडियाज जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, एक और जो इंडिया और US के बीच में कंसर्न है वो GSP स्टेटस को लेकर के है, क्योंकि GSP स्टेटस जो होता है इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है डेवलप्ड कंट्री के द्वारा डेवलपिंग कंट्री को, या तो आप US जो है वो प्रेफरेंस देते डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो ट्रेड के मामले में उन्हें कुछ ना कुछ कंसेंसस दिया जाएगा। स्टिल US हैज ट्रीटेड इंडिया फार मोर जेंटली देन मिस्टर ट्रंप हैज ट्रीटेड चाइना, जैसा कि मिस्टर ट्रंप को द्वारा मीन्स वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा चाइना को ट्रीट किया गया उससे कई गुना बेहतर इंडिया को ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट का एरिया है जिसे इंडिया को और US को मिलकर के सॉल्व करना चाहिए और एक अच्छा बायलेटरल रिलेशन स्थापित करना चाहिए। तो ये हमारा
नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स, मीन्स इस अटैक को प्रिडिक्ट नहीं किया गया है. द बिगेस्ट चैलेंज इज अनप्रिडिक्टेबल दैट द ओकोपोनेंट मिस्टर ट्रंप पर्टिकुलर इन हिज ट्वीट्स, जो अपने ट्वीट्स में वो हमेशा बोलते रहते हैं, जैसे कि इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मल रिलेशन बना के रखना चाहिए, या मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए तैयार हूँ, ये जो सारा ट्वीट्स होता है वो कहीं ना कहीं इंडिया के सोवरेनिटी को हार्म करने के लिए होता है. एंड द सेकेंड है क्या है, आपका लास्ट पॉइंट है, द स्टेप अहेड विल बी फॉर इंडिया टू टेक द सिटिंग स्टिंग आउट ऑफ ट्रेड इशू वाइल टेकिंग द टोल ऑन इमिग्रेशन एंड रेसियलिज्म. It will also mean navigating for advantage in the dividend world with the US ceding space, a world where multilateralism will be without US leadership. देखिए यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो इंडिया है उसको अपने ट्रेड इश्यूज़ को साइड में रख करके अपने आप को अच्छे से डेवलप करना चाहिए एक मल्टीलेटरलिज्म वर्ल्ड के थ्रू, वर्ल्ड के तरफ, ना कि यूएस के लीडरशिप के अंडर सारे कंट्री को होना चाहिए जैसा कि अभी हाल में चल रहा है. तो यहाँ पे अगर मल्टीलेटरलिज्म की तरफ इंडिया बढ़ता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा. यहाँ पे आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. होप यू लाइक इट. स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ. Thank you very much.